वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। ज़्यादातर लोग जो है ना, जब गाड़ी परचेज करने का प्लान कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन एक ये भी होता है कि जैसे कि आप पंच की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम पंच डिस्कस करने वाले हैं, उनका कन्फ्यूजन ये होता है कि पंच का सेकेंड बेस वेरियंट एडवेंचर लिया जाए या फिर बेस मॉडल प्योर को कस्टमाइज कराया जाए अपने हिसाब से और उसको फिर कन्वर्ट किया जाए एडवेंचर वेरियंट पर। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज के थ्रू पंच के बेस मॉडल को कस्टमाइज करवाते हैं, तो आफ्टर मार्केट में कौन कौन सी एक्सेसरीज आपको मिल जाती हैं और कितने प्राइस के रेंज में आप इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेकोरम कार एक्सेसरीज से मिस्टर राजन जी, जो कि कंप्लीट बताएंगे कौन कौन सी एक्सेसरीज लग जाती है और कितने खर्चे में लग जाती है और क्या वारंटी गारंटी उनमें आती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर बात करते हैं प्राइस डिफरेंस की, तो पंच के प्योर वेरियंट से एडवेंचर वेरियंट के बीच अगर आप गैप देखते हैं ना, तो 1,10,000 रुपये का आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और इस 1,10,000 रुपये के प्राइस डिफरेंस में आपको एडवेंचर वेरियंट में मैनुअल म्यूजिक सिस्टम, 4 स्पीकर, पीछे की पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, अपना जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, अपना डोर हैंडल बॉडी कलर के अपने इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। 10 फीचर्स यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए मैंने। इन्हीं 10 फीचर को जब आप आफ्टर मार्केट जाते हैं तो कौन कौन सी एक्सेसरीज हैं वो आपको बताते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर मार्केट की, तो सबसे पहले लेते हैं म्यूजिक सिस्टम। अगर आप एडवेंचर वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे 3.5 इंच वाला अपना जो मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है वो आपको मिल जाता है। आफ्टर मार्केट में मैं सजेस्ट खुद से करूँगा कि अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हैं तो आप मैनुअल म्यूजिक सिस्टम ना लगवा करके, एंड्रॉइड का जमाना है, एंड्रॉइड सिस्टम पे अपडेट करें। तो राजन भाई एंड्रॉइड बताइए जरा। तो मैं दिखा देता हूँ, ये अपना एंड्रॉइड है, मैंने फ्रेम के अंदर फिट कर दिया इसको। ये देखो फिटिंग बिल्कुल पास से दिखा दो, एकदम बिल्कुल OEM फिटिंग आने वाली है आपकी गाड़ी के अंदर। और ये फ्रेम है ना अपना, ये प्रॉपर आने वाला है, इम्पोर्टेड फ्रेम है, देसी फ्रेम लगाते ही नहीं है सर हम। और जो ये पीछे से देख सकते हो आप, एकदम प्रॉपर आएगा। ये इसका प्रॉपर कपलर है अपना। ये कपलर क्या है, आपकी वायरिंग को कट नहीं होने देगा, जो मेन कपलर होगा उसके अंदर हम इसको फिट कर देंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है ये अपना एंड्रॉइड में लग जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ये प्रॉपर फिट होने वाला है आपकी पंच के अंदर, एकदम एक्यूरेट। तो राजन भाई कितने इंच स्क्रीन होती है ये भैया? 9 इंच स्क्रीन होती है, जो कि प्रॉपर आती है पंच के अंदर। प्रॉपर 9 इंच स्क्रीन के साथ आप अपना टच स्क्रीन सिस्टम लगवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे एक एड ऑन ये करना चाहूंगा कि अगर आप टाटा पंच का टॉप मॉडल लेते हैं ना, तो उसके अंदर भी आपको जो स्क्रीन साइज मिलता है वो 7 इंच का मिलता है। हाँ। तो आफ्टर मार्केट में 9 इंच का विद कपलर टू कपलर अपना जो है मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गई अपनी स्क्रीन की बात, एंड्रॉइड ऑटो के साथ था। जी जी। तो नेक्स्ट आते हैं स्पीकर्स पे, क्योंकि वहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं हरमन वाले। तो यहाँ पे आप क्या करोगे ऑफर? तो हम यहाँ पे भी हरमन वाले स्पीकर लगाने वाले हैं, जो कि अपने JBL ब्रांड के रहेंगे। ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, आगे वाले दरवाजों में अपना ये कॉम्पोनेंट लगने वाला है, JBL बाय हरमन, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि ट्यूटर के साथ। हाँ। मतलब कि टोटल 6 स्पीकर का सेटअप है। बेसिकली कंपोनेंट जो है ना, एक स्पीकर की एडवांस फॉर्म है। तो आगे वाले दरवाजों में कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं और पीछे वाले दरवाजों में कोएक्सियल लगाते हैं, सेम JBL का बाय हरमन। तो ये अपना सेटअप रहने वाला है स्पीकर का, एंड्रॉइड मैंने आपको दिखा दिया। एक और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अपना कंपोनेंट स्पीकर्स हैं ये ट्यूटर के साथ भी आते हैं, और ट्यूटर आपको जो है ना एडवेंचर वेरिएंट के अंदर भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप इससे एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको स्पीकर भी ट्यूटर के साथ देखने को मिल जाता है अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हैं। ये दिखा सकते हो, ये ट्यूटर है इसका, ये क्रॉस ओवर है, ये 2 स्पीकर है, ये आपको सेट के अंदर मिलने वाला है, कम्प्लीट अपना सेट रहता है। तो म्यूजिक सिस्टम की बात हो गई, स्पीकर की बात हो गई, जो कि आप लगवा सकते हो। नेक्स्ट बात आती है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, जो कि आपको मिल जाता है एडवेंचर वेरिएंट। आफ्टर मार्केट में जाते हैं तो ये रहा अपना ऑप्शन, और ये भी अपना जो है ना ओरिजिनल टाटा का रहने वाला है। पीछे की तरफ तो देख सकते हो बहनों भाइयों, ये ग्लोसी लुक में रहने वाला है अपना, और टाटा का जेन्युइन रहने वाला है बैजिंग के साथ ये। और यहाँ पर भी वही सारे कंट्रोल्स आते हैं जो कि आपको बाकी मतलब एडवेंचर वेरिएंट में मिलेंगे। मतलब यहाँ से आप जो है प्लस माइनस कर सकते हो, कॉल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो, यानी कि ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल के साथ आपको ये मिल जाता है। और जेन्युइन बिल्कुल अच्छा, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आने वाली है भैया, कपलर टू कपलर काम करेंगे, मक्खन फिटिंग एकदम। लगने के बाद आप ये नहीं कह सकते कंपनी से नहीं कराया, कंपनी वाला ही काम होगा आपका। और पीछे की तरफ ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका कपलर है जो कि लग जाता है, जिसके मतलब ये होता है कि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं ना कि आफ्टर मार्केट जाएंगे वायर कट हो जाएगी, वारंटी लैप्स हो जाएगी। तो जितना भी आपको मॉडिफिकेशन, आज की डेट में थोड़ा सा एडवांस हो चुका है आफ्टर मार्केट वाला प्लेटफॉर्म भी, तो यहाँ पर जितना सारा काम होगा वो कस्टमर की वारंटी को बचाकर काम किया जाएगा कोई भी। नेक्स्ट बात आती है सेंटर डोर लॉकिंग की, तो अगर आप एडवेंचर वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पे फिलिप की के साथ आपको सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाती है। तो आफ्टर मार्केट भी ऑप्शन है अपने पास, आफ्टर मार्केट भी अपने पास RD कंपनी की सेंटर लॉकिंग रहने वाली है पूरे 3 साल की गारंटी के साथ। और जो गारंटी मिलेगी ना भाई, वो आपको डोर टू डोर मिलने वाली है। इट मीन्स आपके घर पे बैठ के आप इसकी सर्विस ले सकते हो, कोई दिक्कत आती है आपके घर पे लड़का ठीक करके जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं ना।
सीधा आरडी की सेंटर लॉक में लगवाने आना है आपको डेकोरम कार में। और इसके साथ जैसे कि वहाँ पे आपको फ्लिप की मिल जाती है, तो ये देखिए ये भी आपको फ्लिप की ऑप्शन मिल जाएगा। डिजाइन फ्लिप की के अलग अलग मिल जाएंगे आपको, जो आप दुकान पे आओगे तो दिखा देंगे आप। और ये काफी वेटफुल है, ऐसा नहीं कि आफ्टर मार्केट आप जा रहे हो तो आपको लोकल सा काम देखने को मिलेगा। तो फ्लिप की में भी वजन है और अच्छा खासा आपको लुक भी देखने को मिल जाता है। एक और आती है, उसका भी फोटो डाल दूंगा मैं, आप वो भी देख सकते हो, तो वो भी आपको मिल जाती है। तो सेंटर लॉकिंग भी अपनी लग जाती है। इसके अलावा एक मेन अपना जो है ना पावर विंडो का रहता है, क्योंकि आपको पंच के बेस मॉडल में दो पावर विंडो मिलती है, एडवेंचर विंडो में चार पावर विंडो मिलती है। अभी तक क्या था कि आफ्टर मार्केट जब पावर विंडो लगवाते थे तो पीछे के जो कंट्रोल्स है ना वो अपने पीछे की तरफ ही रह जाते थे। अगर आपको ये पावर विंडो लगवानी है आफ्टर मार्केट वाली, वो भी ऑप्शन में आपको मिल जाती है। और अगर आपको लगवानी है जैसे कि टाटा की एडवेंचर विंडो में चारों पावर आती है, जेन्युइन टाटा की जेन्युइन अगर आपको पावर विंडो लगवानी है ना, वो भी अवेलेबल है अपने पास, मतलब जिसके अंदर कंट्रोल ड्राइवर साइड में रहेंगे चारों के, वो वाली पावर विंडो भी आप लगवा सकते हो। तो वो भी लग जाएगा और उसका भी इंस्पेक्शन जो है वो आपको प्रॉपर कपलर टू कपलर देखने को मिलेगा भाई साहब। तो कपलर टू कपलर इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि आप ये ना डरें कि आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी, कोई वारंटी लैप्स नहीं होगी। पावर विंडो भी लग जाती है। नेक्स्ट बात आती है आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की। तो दोस्तों एडवेंचर वेरिएंट में आप जाओगे तो वहाँ पे मिरर बॉडी कलर के हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर आपको जो है ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है। लेकिन आप आफ्टर मार्केट अगर जाते हैं तो आफ्टर मार्केट में क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे आपका जो मिरर है, अगर आपको करवाना है ओरिजिनल टाटा वाला काम तो आप करवा सकते हो, मिरर भी कम्प्लीटली चेंज जाएगा। और यहाँ पर मिरर में सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट नहीं, आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स भी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपको क्रिएटिव वेरिएंट में आप जाते हो या फिर अकम्प्लिश वेरिएंट में जाते हो तो ये फीचर देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से 1,80,000 के आसपास का जो है ना डिफरेंस दे देता है। तो अगर आपको एक बजट फ्रेंडली ओरिजिनल काम करवाना है तो आप इस तरीके से मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपनी डोर हैंडल्स की। तो वहाँ पे जो डोर हैंडल्स हैं बेस मॉडल में ब्लैक हैं, एडवेंचर वेरिएंट में बॉडी कलर के हैं। तो डोर हैंडल तो आप बॉडी कलर का नहीं करवा सकते, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि आप जो है ना इसको क्रोम वाले इंसर्ट के साथ करवा सकते हैं। और ये अपना देख सकते हो, ये देखो ये अपना ओरिजिनल रहने वाला है, ओरिजिनल के मतलब गैलियो कंपनी का है, जो कि काला नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। तो ये आप लगा लोगे तो ये अपना जो ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स हैं उनसे काफ़ी बेटर आपको दिखने वाला है, तो ये भी आप करवा सकते हो। नेक्स्ट बात आती है अपने व्हील कवर्स की, क्योंकि एडवेंचर वेरिएंट में व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं। अब आप आफ्टर मार्केट आते हो, जाहिर सी बात है लॉट्स ऑफ वैरायटीज अवेलेबल है यहाँ पे, वहाँ पे आपको एक कंपनी वाला मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फुल ब्लैक है, डुअल टोन में आपको चाहिए वो मिल जाएगा, और कुछ जो बचते हैं वो मैं नीचे स्क्रीन शॉट में लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के आप व्हील कवर्स के भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा पंच के एडवेंचर वेरिएंट में आपको जो मिरर है इनसाइड वाला वो मिलता है डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ, लेकिन इन बेस मॉडल के अंदर आपको नॉर्मल टाइप का ही दिया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है आफ्टर मार्केट में, आप इसके मिरर को जो है वो एडवेंचर वाले वेरिएंट की तरह ही ये जो है डे नाइट वाला लगवा सकते हैं। तो ये सारी जो फीचर्स हैं वो आप लगवा सकते हो पंच के बेस मॉडल को कन्वर्ट कराने के लिए एडवेंचर वेरिएंट में। सिर्फ एक फीचर बच जाता है जो कि आप आफ्टर मार्केट नहीं करवा पाओगे, वो है फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर, और ज़्यादातर इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बहुत ही बेसिक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस फीचर को अवॉइड कर सकते हैं तो आप जो है आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये था अपना एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको बताने की कोशिश करी गई है कि अगर आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाते हो तो आपको जो है इतने खर्चे के अंदर ये सारे एक्सेसरीज लगवा सकते हो। इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक सीट कवर लगवा सकते हो, फ्लोरिंग है, मैटिंग है, डोर वाइजर है, अपनी लोअर गार्निश हो गई, साइड बीडिंग हो गई, मतलब ए टू जेड सारे एक्सेसरीज। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आता है कि सपोज करिए हम, क्योंकि मैं इस वक्त हूँ डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में, अगर आप इनसे काम करवाते हो तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए देना चाहोगे? देखो भैया, जितना सामान हमने बताया वो तो हम आपको लगा के देंगे ही देंगे। जैसे हमने जो बेस से एडवेंचर मॉडल जो बनाने के लिए सामान बताया, जैसे अपना हमने साइड मिरर बताया ओरिजिनल जेन्युइन टाटा के लगा के देंगे आपको, पावर विंडो ओरिजिनल वाली लगा के दे देंगे टाटा वाली, जो जिसके आपको आगे से भी होल्ड मिलेंगे, ठीक है। प्लस आपको ये सामान सारा दिखाई दिया है, इसके अलग हटके एंड्रॉयड के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाला है हमारी तरफ से, वो रहने वाला है इसका कैमरा। जो ये कैमरा रहने वाला है, ये मूविंग कैमरा हम आपको हाइपरसोनिक कंपनी का देने वाले हैं। तो ये कैमरा इधर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसी के साथ तो मेरे हिसाब से अब आपको टॉप मॉडल वाले कई सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए अपने हिसाब से गाड़ी को कस्टमाइज करवाना है तो आफ्टर मार्केट एक ऑप्शन है जिसको आप करवा सकते हैं, भैया का नंबर नीचे दिया हुआ है। कोई एक्सेसरीज से रिगार्डिंग डाउट हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।